वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी बहुत सुबह सुबह है, सुबह के 7 हो रहे हैं और मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ क्योंकि आज जो क्लास है वो हमारी 8:30 पे है, तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर है मेरी। ब्लॉग ऐसा ही होता है। 7:30 किस लिए बनाया है ना? वेरी प्रिसाइज मेंटल मैच करेंगे तो सिंपली 7:30 करोगे। 7:30 वो माहिना जो है वो पश्तो सीख रही है गाइस। जल्दी आ, जल्दी आ, तुम्हें याद है सारे किस चीज चीज का? दलता राशा। हाँ हाँ, दिमाग तेज है उसको, याद है जो मैंने उसको सिखाया था तीन महीने पहले। जरकवा का मतलब है जल्दी। हाँ, जा मणा जाओ यहाँ से। जरकवा का क्या मतलब है? जरकवा जल्दी मणा जा। गाइज मराहिल ने देखिए मेरा सारा बैग ले लिया है, मेरे ड्राई फ्रूट्स खा रही है। यार वो तुम्हारे ही लिए तो लाई थी मैंने, सोचा यार मराहिल ड्राई फ्रूट्स खाने का दिल कर रहा है। गाइज क्लास इज ओवर, अब मैं अपनी सुपरवाइजर को ढूंढ रही हूँ, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही। उन्होंने मुझे कहा था कि मिलना है तुमने मुझसे, प्रोजेक्ट की डिस्कशन करनी है। तो हमने सोचा हम ताबिंदा के पास आ जाएँ, हमारी पुरानी टीचर, उनसे वैसे ही मिलने। सो यस, पुरानी टीचर काम नहीं है अपने जो ब्लॉग है, तो तुम क्यों कर रही हो ना करो ऊपर, चलो आओ जाए वापस। यार मैम फरवा को ढूंढती हूँ मैं, मैम रिप्लाई नहीं करी, मैं क्या करूँ? मैम ने मुझे मैसेज किया था कि मुझसे मिलना, प्रोजेक्ट में क्या करना है। मैम से मिल लिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि और कोई काम नहीं यूनिवर्सिटी में। सो गाइज मैं वापस आ गई हूँ अपनी गाड़ी में, बैठ चुकी हूँ और हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यार ये तो मैं उल्टी हो गई हूँ शायद, उसको मैं एडिटिंग में रोटेट करती हूँ उसको, ठीक है? सो गाइज आई एम बैक एंड अब मैं घर जा रही हूँ। 11:30 हो रहे हैं, 11:30 क्लास ओवर हुई थी, 11:50 पे मैं अपनी गाड़ी में पहुँची हूँ यूनिवर्सिटी से निकलते निकलते। और अब जा रहे हैं हम घर, और घर जाके मैं सो जाऊँगी, बस यही था दिन मेरा। गाइस तो हम जा रहे हैं खाना खाने, और इन्होंने मेरे साथ क्या किया मैं आप लोगों को बताती हूँ। माहिना और मनाहिल ने अपनी अटेंडेंस लगवा ली मैम से, और मेरी अटेंडेंस का इन्होंने नहीं बोला, और अब मेरी 1.5 आवर की अटेंडेंस मिस हो जाएगी। तो मैंने पहले भी मिस की थी, तो ये मेरी हो जाएगी 3 आवर्स हो जाएगी। मुड़ गई फॉरन यार, तब तो जीरो थी ना, बस तब तो जीरो थी ना, अब 3 आवर्स मेरी हो जाएगी और तुम्हारी मैं 1.5 आवर की मिस करा के ही रहूंगी अब नेक्स्ट क्लास। हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें आने नहीं दूंगी, फर्स्ट आवर तुम बाहर इंजॉय करना हुमा के साथ, इसकी वजह से अभी क्लास नहीं होती, इसके साथ एंजॉय करना। मेरी हुई थी क्लास, मैंने पूरी ली है, तुम लोगों की क्लास तुम लोग तो तुम लोग की सुबह होती है, हमारी भी आकर मिस करा देते हो तुम लोग बाद में, वो तो तुम लोगों की गलती है ना, प्लान सुबह के बिना हम यार आ जाओ, इतना चल रही है अब, इतना अच्छा खड़ी रहो, मैं गाड़ी लाती हूँ, इतना चल रही है अब आगे और नहीं जा रही। आगे ना आई तो फ्रंट सीट पर बैठ जाना, मायना का शौक है ना फ्रंट सीट, तो खत्म हो गई, इतना चल रही है यूनिवर्सिटी से इधर तक, आगे आगे नहीं जा रही। इसको छेड़ते इस लड़की को, एक तो पहले क्यों नहीं आई थी, अब नहीं बैठने देंगे हम, पहले क्यों 2 कदम नहीं चल सकती थी, तो सिर्फ 2 कदम का रास्ता रह गया था यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आके। टू हॉट यार, वो लड़के जो है ना हमें छेड़ के गए हैं, लेकिन हुमा ने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैंने दूर का हट लड़ लिया ना, मैंने वर्बली उनसे लड़ लिया ना, मैंने हाथ चढ़ाने कराटे आजमाए थे ना आपने। यार यार कह रहे थे पंजाबी में आप आई, हट बस लिया, हम एक कर देते ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, मैंने कहा आ जाओ भाई फिर साथ कर लो, हम तीनों मिलते हैं यार, हम तीनों यार कितना मजा आता लड़ते हम यार, बताया करो यार हुमा तुम चाकू किसने लेके फेरी हो, उसने समझा ही नहीं, वो पंजाबी में बोले थे, हमें नहीं बोलना होता ना सेल्फ डिफेंस की चीजें क्या क्या पड़ी है, वो पता लग जाएगा ना, गन रखने वाले अब पिस्टल का ना बताना। चुप। गुड मॉर्निंग गाइज, अनदर डे अनदर मॉर्निंग, एक और सुबह और मेरी यूनिवर्सिटी।
गाइस आज मेरी क्लास होनी थी 11:30 पे, तो मैं कल से बड़ी सोच रही थी कि यार चलो लेट उठूंगी, लेकिन एंड टाइम पे मैम ने बोला कि मैं 8:30 क्लास लूंगी, तो अभी फिर से सुबह के 7 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी. नींद मेरी पूरी नहीं हुई और बहुत सख्त नींद आ रही है. आज फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे छुट्टी होती है मेरी, 4 दिन छुट्टी होती है. ठीक है, अब एक इस तरह का ये है जिसमें यहाँ पे हेलमेट और यहाँ पे जिसमें कोई वो काम कर रहा है. ठीक है, गाइस हमारी क्लास जल्दी खत्म हो गई है तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने. मुझे चश्मा पहन दो. क्या बोल, शक्ल देखते हैं. मेरे बाल खराब है. सही है, कल तराशा. नाश्ता करने जा रहे हैं गाइस, उसके बाद हम सेंट ऑरस जाएंगे. ये उन्होंने सीखी हुई है पश्तो और वो मुझ पे ही अप्लाई कर रहे हैं, मुझसे सीख के मुझ पे ही अप्लाई कर रहे हैं. या गाइस मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैं सही से नहीं चल सकती, तो तुम लोग भी ज़रा स्लो चलो प्लीज़. ओके, और हमेशा की तरह हुमा ही कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरे साथ स्लो चलती है और ये दोनों आगे भाग रहे हैं. अबे यहाँ इसके व्लॉग में जो तेरी शक्लें आती हैं, बना ही आए तो बेहतर है. मैं किसी भी एंगल से व्लॉग बना लेती हूँ. व्लॉग के लिए मैं तुम लोगों को ये तो नहीं बोलूंगी पोज बनाओ. मुझे डाला मेरी नाक इतनी. हाँ, मेरा मुंह ये साइड से था, वो चूहा लग रही थी. नाक इतना, उसका एंगल ऐसा होता है ना. आज के बाद मैं बोलूंगी गाइस मैं व्लॉग बना रही हूँ, प्लीज पोज बना लो. सिर्फ मनाहिल को फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से भी. मैं खामोश रहती हूँ लेकिन दुख होता है, दिल में दर्द होता है. किस चीज से? ये तुम्हारे ब्लॉग के गंदे क्या कहते हैं यार, मनाहिल एंगल. मेरा शक्ल सिर्फ यही है जो एंगल, वाइड एंगल. वाइड एंगल के जो कोने पे हम आ रही होती है ना, अभी भी तुम कोने पे ही आ रही हो. हमारा मुंह लंबा हो जाता है. आज के बाद माहिना मैं आज के बाद तुम बोलूंगी मैं व्लॉग बना रही हूँ, प्लीज आप पोज बना ले. देखो मैं पब्लिक प्रोफाइल नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही हूँ जब मैं व्लॉग में आती हूँ तो लोग कहेंगे ये चूहे जैसी है. मनाहिल ले लो पिक्चर जल्दी करो. नहीं मैं तो मेरी इतनी बड़ी वीडियो भी बन गई जितने तुम्हारी सेल्फी. ये अच्छी है, यार ये अच्छी है. वाव, आई लाइक इट. ओ ब्लैक वाली हीरोइन. सो गाइज गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह और एक और नया दिन यूनिवर्सिटी में. इट्स अ थर्ड डे और आज मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने उबर बुक करा ली और पहले की तरह उबर वाले ने एसी नहीं लगा के दिया, बस मेरे पैसे ही ज़ाया किए. ब्रेक हो चुकी है और अब हम अपने सुपरवाइजर्स को ढूंढ रहे हैं और उनके पीछे जाना है, ख्वार होना है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट करना है फाइनल ईयर. इसमें चार्जिंग प्लग होगा माहिना, तुमने देखा है? तुम घर से फोन चार्ज कर करके आया करो. चार्ज किया था मैं सुबह से, इंस्टाग्राम यूज करके रील्स देख रही थी. दूसरा फोन ले लो काइंडली. 20 मिनट की ब्रेक थी और हम नीचे गए, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करने को मिला, तो अब हम वापस क्लास में जा रहे हैं. यस, और थर्ड फ्लोर पे आते आते थक जाते हैं. सो गाइज क्लास लेने के बाद मैं फ़ौरन ही उबर में बैठी और घर वापस चलने लगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इसलिए मेरा मूड भी डाउन हो गया था. तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे. गाइज 4 साल गुजर गए हैं, हम पार्किंग के लिए तरस गए हैं, पार्किंग नहीं मिली यूनिवर्सिटी में हमें कभी. खैर अब तो आखिरी सेमेस्टर है, अब क्या कर सकते हैं. सो लेट्स गो गाइज. यार हमारी यूनिवर्सिटी में आर्टिस्ट पाए जाते हैं. हमसे नहीं होता. हाय गाइस मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मैं बोर हूँ. प्लीज